इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर शर्मसार हो गई है। यहां कुछ दरिंदों ने कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा को किडनैप कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं चौथा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पटना के बाईपास थाना के सती चौरा के पास से रोज की तरह छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी 4 दरिंदों ने छात्रा का किडनैप किया और एक कमरे में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। इसके बाद वो दरिंदे छात्रा को एक मंदिर के बाहर रोता बिलकता और सर्दी में ठिठुरता छोड़कर भाग खड़े हुए। उधर छात्रा के घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस के पास जाकर बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 3 दरिंदों को धर दबोचा और वहीं चौथे की तलाश जारी है। पुलिस ने सभी के खिलाफ प्रॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, वहीं छात्रा का मेडिकल भी करवाया गया है। 4 टोटल अभियुक्त हैं, 4 अभियुक्त टोटल। पहले लड़की को बहला फुसला के ट्यूशन के बाद एक पटना टेंट सिटी है थाने के बगल में, वहाँ पे ये लोग लेके गए थे। वहाँ पे इन्होंने लड़की के साथ गलत किया। उसके बाद जो है इसके 2 सहयोगी वहाँ से चले गए और 1 सहयोगी अपने दूसरे सहयोगी के घर उस लड़की को ले जाता है, फिर उसके साथ वहाँ गलत होता है। और पहले जो है जब इसकी सूचना मिली तो लड़की हेजिटेट डरी हुई थी, लेकिन बाद में जो है उसको पुलिस पे कॉन्फिडेंस आया, उसने पूरी बात बताई, उसी की निशानदेही और घटनाक्रम को समझ के पुलिस ने जो है छापेमारी की। घटनास्थल पर पहुँचे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं उनको एकत्रित किया गया है। इन चारों का जो भी जो जो भूमिका रही है उनमें से गंभीरता पूर्वक जो है 3 की गिरफ्तारी हो गई है, चौथे की गिरफ्तारी जो है वो प्रयासरत है, बहुत जल्द चौथा भी गिरफ्तार हो जाएगा। वारदात से इलाके में गुस्से का माहौल है। खबर है कि पीड़िता के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। बताते चलें, बिहार की राजधानी में एक लड़की किडनैप होती है, उसका गैंगरेप होता है, वहीं कई घंटों के बाद भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता है। ये पूरी वारदात राजधानी पटना में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े करती है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।